ये दिन जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य को भी सम्राट बन दिया था। स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि आप शाम को यह आदेश जारी हो गया कि भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित तो लगन चाहिए, हर जगह लगनी चाहिए। और हमें खुशी है उत्तर प्रदेश के लगभग 37 जिलों में पिछले 2 महीने में हम लोगों ने भगवान विष्णु जी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना की। प्रतापगढ़ में आज राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा आयोजित विशाल ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया है। यहाँ पे परशुराम भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया और फिर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत ब्राह्मण राष्ट्रीय परशुराम सेना के अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल त्रिपाठी ने भी किया है जो कि प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष भी हैं। पंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि आज ब्राह्मण समाज को दिशाविहीन समझा जा रहा है और समाज में राजनैतिक दल और उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज को अपने राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न व शोषण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए समाजवादी पार्टी पूर्व कैबिनेट मंत्री व उच्चहार विधायक मनोज पांडे ने कहा है कि ब्राह्मण समाज को तय करना पड़ेगा कि ब्राह्मण समाज की दशा व दिशा क्या होगी। ब्राह्मण समाज ने सदैव सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया है और शोषित, पीड़ित, वंचित तबके की लड़ाई को आगे अग्रणी भूमिका में रहकर लड़ा है और वो समाज का नेतृत्व सदैव करता रहेगा। इसलिए वर्तमान हालात में विप्रजनों को तय करना पड़ेगा कि वो दिशा में, किस दिशा में जाएंगे। आपको बता दें कि सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला ने कहा है कि ये पंचायत विभिन्न जनपदों में पंचायत के निर्णय का संदेश लेकर ब्राह्मण समाज में जाएगी तथा इस निर्णय पर ब्राह्मणों को लंबबद्ध करेगी। संगीतकार विनय मधुकर ने भी ब्राह्मण समाज की उपलब्धियों व चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। पंचायत का संचालन जिला अध्यक्ष अनिल पांडे ने किया है। इस मौके पर बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी खास करके ब्राह्मणों का क्या रुझान होगा और किस तरह वोट दिया जाएगा और किस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर जिस तरीके से अत्याचार, ये सारी की चीज़ें इसमें रूपरेखा बनी हुई है। इस मौके पर आयोजन समिति के काशी नारायण मिश्र, विशालनाथ तिवारी, अभिषेक मिश्र, देवव्रत मिश्र, इंद्रदेव तिवारी, श्याम शंकर द्विवेदी, विनोद पांडे, आलोक मिश्र, आचार्य रमेश मिश्र, संतोष पांडे, संजय शुक्ला, अरुण उपाध्याय, मनीष दुबे, शशि मणि त्रिपाठी, त्रिभुवन नाथ मिश्रा, इसके साथ बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग। वहीं आपको बता दें सूर्य नारायण मिश्रा, रमा शंकर तिवारी और पंकज मणि त्रिपाठी के साथ साथ श्रीकांत तिवारी, भार्गवानंद और धवल द्विवेदी समेत बड़े पैमाने पर ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग मौजूद रहे। अब आप सुनिए कि राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में। महापंचायत थी, क्या उद्देश्य था परशुराम सेना द्वारा प्रतापगढ़ में इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मण पंचायत करने का उद्देश्य मात्र था कि ब्राह्मण समाज की उपेक्षाएं हर सरकारों में होती रही। ब्राह्मण समाज ने सभी सरकारों को पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया। अब समय यह आ गया कि ब्राह्मणों का घर से निकलना, किसी भी सरकारी नौकरी में स्थान न मिलना,
तमाम तरह की विसंगतियों को देखते हुए ब्राह्मण संगठन के तमाम सारे छोटे बड़े संगठन थे, उन्होंने आज समायोजन किया राष्ट्रीय परशुराम सेना संगठन के साथ इसी उद्देश्य को लेकर के कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में हम ब्राह्मण की सरकार बनाने का काम करेंगे। अब किसी सरकार की पिछुलग्गी हम लोग नहीं करेंगे। सरकार जो भी आती जाती रही, हमेशा हमारे समाज के लोगों ने उनको पूर्ण बहुमत से बनाने का काम किया था, लेकिन अब ब्राह्मण जाग चुका है, जाग गया है। अब दिशा और दशा उत्तर प्रदेश की सरकार की स्वयं तय करेगा। तो ये बताइए, ब्राह्मणों को लेकर यहाँ मंच पर कई राजनीतिक दल के भी लोग आए थे, क्या लगता है किसी राजनीतिक दल द्वारा आयोजित था या फिर किसकी द्वारा आयोजित? ये गैर राजनीतिक संगठन है राष्ट्रीय परशुराम सेना। आज की ब्राह्मण महापंचायत ये सिर्फ ब्राह्मणों की महापंचायत थी, इसमें राजनैतिक लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहा। हमने सभी राजनैतिक दल के नेताओं को आमंत्रित किया था, कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, उनको भी धन्यवाद देता हूं जो नहीं आ पाए, और जो आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैंने अपनी तरफ से सभी राजनैतिक दल के उच्च कोट के ब्राह्मणों को, ब्राह्मण हित चिंतकों को आमंत्रित करने का काम किया था। कौन कौन से प्रमुख संतें थे, बड़े संत कौन कौन से आए? हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में रायपुर छत्तीसगढ़ के जगतगुरु महाराज स्वामी रविश्वराचार्य जी महाराज का पदार्पण हुआ, और अरुण जी महाराज कथावाचक जो है प्रसिद्ध हैं उनका आगमन हुआ, प्रभाकर जी महाराज का हुआ, भार्गवानंद महाराज जी का आगमन हुआ, बाल व्यास चंचरीक जी का आगमन हुआ, तमाम सारे संत महात्माओं का आगमन इस कार्यक्रम में हुआ और सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतनी भीड़ थी? भीड़ का कोई अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। हाल और हाल के बाहर कैंपस पूरा भरा हुआ था। अभी इसकी गिनती करना असंभव लग रहा है। आगे की रणनीति है कि हम सब ब्राह्मण मिलकर के एकजुट होकर के अभी 2022 के चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे और खुद ब्राह्मण की सरकार बनाने का काम करेंगे। 22 में आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी? 22 में हम लोगों की तैयारी रहेगी कि जो भी ब्राह्मण नेता हम लोगों की बात को, हम लोगों की समस्या को संसद भवन में, विधान भवन, विधानसभा में उठाने का काम करेगा, उसी को हम लोग अपना नेता मान करके चुनाव जिताने का। ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार होने की बात आती है, कितनी सही है, क्या लगता है आपको? ये अक्षरशः सत्य है, जितनी ब्राह्मणों की हत्याएं इस सरकार में हुई हैं, मैं किसी सरकार का, किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन देखते देखते आज मैं देख रहा हूं कि इस सरकार में जितनी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, जितना उत्पीड़न हुआ है, जितनी छिनैती हुई है, आज तक कभी किसी भी सरकार में इतनी नहीं हुई। इससे हमारा ब्राह्मण समाज असंतुष्ट है। तो क्या लगता है पंचायत का निष्कर्ष क्या निकला? पंचायत का निष्कर्ष निकला है कि अब आने वाले 2022 के चुनाव में बढ़ चढ़ के सभी ब्राह्मण एकजुट होकर के निर्णय लेंगे और लेकर के अपनी सरकार अपने ढंग से चलाने का काम करेंगे। आपके जिले में जिस तरह से प्रतापगढ़ जिले में एक महीने के अंदर 5 निर्मम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और उस पर आज तक मुख्य आरोपी आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो इस सरकार के करीबी लोग हैं वो हत्या किए हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अगर कोई कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल हो रही है। मतलब भाजपा की तानाशाही चल रही है? ये तानाशाही समझ लें या उस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से सरकार को अवैध। आपका परिचय कौन है? मैं प्रदीप शुक्ला एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना उत्तर प्रदेश।